खबर सीजी न्यूज में आपका स्वागत है। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने 24 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मीडिया को बताया कि पुलिस को मुखबिर से पता चला कार में अंग्रेजी शराब भर कर तस्करी की जा रही है और केरा की ओर से जांजगीर रोड पर कार जा रही है। इस पर पुलिस टीम बनाकर चेकिंग प्वाइंट बनाकर जाँच की गयी। जांच में एक कार में 24 पेटी अंग्रेजी शराब मिली जिसकी कीमत 1,44,000 है। प्रकरण में पुलिस ने नवागढ़ क्षेत्र के मुड़पार खिसोरा गांव के दिलीप महंत और बिहार के सन्नी कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। मामले में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में शराब खपाने के लिए बड़ी मात्रा में शराब की सूचना मिली थी। कल चेकिंग में 24 पेटी 216 लीटर इसकी अमूल्य करीब 1.5 लाख रुपए, साथ में एक गाड़ी को जब्त किया गया है। दोनों मिलाकर 37 लाख रुपए की जब्ती हुई है। अभी बाकी एविडेंस जमा किया जा रहा है। जो गाड़ी रायपुर है, गाड़ी वाहन मालिक से भी बात की जाएगी और उनसे भी स्पष्टीकरण लिया जाएगा। और दो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, एक है नवागढ़ का लोकल रहने वाला है दिलीप दास महंत, पिता मुंशी दास महंत, 47 ईयर्स, और दूसरा जो है वो बिहार पूर्णिया का रहने वाला है सन्नी कुमार सिंह। ये काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे और आसपास के जिलों में मध्य प्रदेश इलाके शराब को खपा रहे थे। इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ शासन को रिवेन्यू का भी लॉस हो रहा था और लोकल लोगों को भी नुकसान हो रहा था। तो इस कार्रवाई को लगातार जारी रखा जाएगा, आने वाले समय में और जब्ती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर सीजी न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक यूजर हैं तो तेज अपडेट के हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। पोर्टल पर हमारी खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.khabarcginews.com।